ये रांतिसी अस्पताल है। ये वो जगह है जहां मैंने आपको सुरंग दिखाई। मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें। जरा देखो, हमास ने अस्पताल के अंदर क्या रखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें। इस तरह का सामान एक बड़ी लड़ाई के लिए रखा गया सामान है। लोग अस्पतालों से आरपीजी चला रहे हैं। ये हमास है जो अस्पतालों से आरपीजी चला रहा है। दुनिया को समझना होगा कि वो कौन है जिसके खिलाफ इज़राइल लड़ रहा है। इन सभी का इस्तेमाल 7 अक्टूबर के नरसंहार में किया गया था। उनकी इस मोटरसाइकिल में गोलियां भी लगी हैं। इस तरह वे 7 अक्टूबर को नरसंहार कर वापस आए। हम इस इलाके में बदलाव के तहत वेंटिलेशन एयर को देख सकते हैं। हम यहां बनाए गए बुनियादी ढांचे को भी देख सकते हैं। अब आप उस कमरे को देख रहे हैं जिसके बारे में हमें संदेह है कि यहां बंधकों को रखा गया होगा। मैं चाहता हूं कि आप इस कमरे को देखें। यहां पर्दे लगाए हुए हैं, जबकि उधर कुछ भी नहीं है, सिर्फ दीवार है। जब तक आप बंधकों को फिल्माना नहीं चाहते, तब तक यहां पर्दा लगाने की कोई वजह नहीं है। वे कहते हैं कि हम अभियान चला रहे हैं, इज़राइल के खिलाफ अभियान, जो 7 अक्टूबर को शुरू हुआ। ये एक लिस्ट है जहां हर आतंकी ने अपना नाम लिखा है और हर आतंकवादी की अपनी शिफ्ट है। पीछे एक आतंकी का घर है। ये वरिष्ठ आतंकवादियों में से एक है जो ऑपरेशनल नेवल ऑपरेशंस का प्रमुख है, जिसने इज़राइल पर हमले की अगुवाई की। ये घर अस्पताल से 200 यार्ड की दूरी पर है, रांतिसी अस्पताल। इस घर के सामने एक सुरंग है। सुरंग 20 मीटर से ज्यादा नीचे की ओर जाती है। रोबोट को एक दरवाजा मिला, एक दरवाजा जो बुलेट प्रूफ है। ये विस्फोटक प्रूफ है, इसलिए एक मजबूत सबूत की तरह दिखता है। एक साफ सबूत कि इससे अस्पताल की दिशा जुड़ी हुई है। ये गुप्त सुरंग है, ये उसी फ्लोर का हिस्सा है और ये यहीं नीचे की ओर जाती है। It slides down here.